सारे किसान भाइयों ने राम राम है। किसान भाइयों खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज आए हैं गांव जुगलान जिला हिसार हरियाणा में। यहां दूध कंपटीशन है। यहां मुर्रा भैंसे और विभिन्न प्रकार की भैंसों के जो प्रतियोगिता दूध की करवाई जा रही है, आज आपको प्रतियोगिता दिखाएंगे और दिखाएंगे कि भैंसे जो हरियाणा के हिसार ज़िले में हैं वो कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी नस्ल की भैंसे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो करते हैं शुरू यहाँ से। तो किसान भाइयों यहाँ से शुरू करते हैं। ये भैंस दूध प्रतियोगिता में आई हुई है। देखिए काफ़ी बढ़िया भैंस है और जो है इसका लेवा भी काफ़ी बढ़िया है। दूध देखो इसमें बाल्टी में इसने काफ़ी दे रखा है। एक टाइम अब खाली की जाएंगी और उसके बाद किसान भाइयों अगली टाइम में से इनकी दूध प्रतियोगिता होगी, यानी कि 3 टाइम फिर लगातार इसका दूध निकाला जाएगा। मान लीजिए कल सुबह पहला टाइम काउंट किया जाएगा और दूसरा टाइम फिर कल शाम को और तीसरा टाइम जो किसान भाइयों परसों सुबह का काउंट करके 3 टाइम से उसको फिर डिवाइड कर दिया जाएगा कि एक टाइम में भैंस कितना दूध देती है। ये आपकी 13 नंबर भैंस है, पीछे 12 थी और उससे पीछे 11 नंबर भैंस थी। किसान भाइयों ये आपकी फिर 14 नंबर भैंस है। देखिए काफ़ी बढ़िया भैंस दिख रही है और इसका लेवा भी काफ़ी बड़ा है। और देखिए आप कितनी अच्छी नस्ल की भैंस है। कल आपको इन किसान भाइयों से मिलवाएंगे और इनकी भैंस का दूध और रेट के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो देखिए किसान भाइयों ज़्यादा नज़दीक से जाना तो ठीक नहीं है। देखिए काफ़ी ऊंची तगड़ी भैंस है। देखिए आप काफ़ी ऊंची तगड़ी भैंस है, आप देख सकते हैं बढ़िया। इनके काटरू भी बढ़िया हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए इनके जो है रूंड वगैरह भी बढ़िया है। ये भैंस खाली कर दिया, आप दूध की बाल्टी देख सकते हैं कि कितनी भरी हुई है। ये देखिए आपके सामने है। तो किसान भाई ये 16 नंबर भैंस है, पीछे वाली जो है 15 नंबर भैंस थी। ये आगे जो है बढ़िया मुर्रा नस्ल की सोनी जोटी है, बढ़िया मुर्रा नस्ल की सोनी जोटी है, ये आपके सामने देख सकते हैं आप। और देखिए इसके कहीं भी मतलब बढ़िया सींगों की गुड़ाई है और पूंछ इसकी पूरी लंबी है। और देखिए 3 भाई लग करके इसकी धार निकाल रहे हैं। आप देखिए अभी तो आधा दूध निकला है और बाल्टी में आपको काफ़ी दूध नज़र आ रहा होगा। ये कट्टी है, एक भैंस ये है इस तरफ देखिए आप। तो किसान भाई ये इस तरह से ये आपका मेले के दर्शन करा रहे हैं, यहाँ दूध प्रतियोगिता है। ये 18 नंबर भैंस है ये देखिए। तो ऐसा जो है हिसार की जो है मशहूर भैंसें हैं मुर्रा नस्ल की, आप देख सकते हैं कि दूध ये जो है खाली करने के लिए लाई गई हैं। तीसरी प्रतियोगिता जो है करवाई जा रही है। तो किसान भाइयों देख सकते हैं आप, ये आपके सामने है। ये काफ़ी दूध वाली भैंसें हैं, ये देखिए इनके दूध इस प्रकार से निकाले हुए हैं। ये जो है इस टाइम बिल्कुल खाली की जा रही हैं, खाली करके इनको फिर दूध प्रतियोगिता में कल सुबह से इसको दूध जो है काउंटिंग की जाएगी, यानी कि कल सुबह जो दूध इनका पहला माना जाएगा कल शाम को दूसरा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भैंसें हैं, जितनी भैंसें यहाँ आई हुई हैं सारी किसान भाइयों खूब बढ़िया नस्ल की हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इनके लिए चारा पानी, जिनका दूध निकाल लिया गया है उनके लिए चारा पानी दिया जा रहा है। तो देखिए आपके सामने है, ज़्यादा नज़दीक जाने से दूध देना शायद दिक्कत महसूस करें। देखिए आप छोटी सी छोटे छोटे सिंगों की सोनी सी चोटी है, बिल्कुल प्यारी सी, और बाल्टी कितनी बड़ी है। और इसका आप लेवा भी देख सकते हैं कि इसकी लोटी यानी ये थन वगैरह कितने बढ़िया हैं। तो किसान भाई यही आपके सामने हैं। कहाँ से आई भाई भैंस ये? मेहूवाड़ा से। मेहूवाड़ा कहाँ सर? फतेहाबाद के मेहूवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भैंस आई हुई है। कौन सी है भाई साहब, ये पहले है दूजन है? दूसरा है। तो आप देख सकते हैं दूध निकल गया इसका, कितना तुला है? अभी तुला नहीं है इसका दूध, तुलने के बाद आपको ज़रूर बताएंगे। बता के जाना भाई साहब कितना है। एक ये देखिए आप, ये आपकी है जी?
कहाँ से आई सर? ये दिनोद से आई, भिवानी के पास। भिवानी के दिनोद गांव से ये भैंस आई हुई है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल काली शाह चमक रही है। इतनी तो अफीम भी नहीं चमकती काली जितनी ये भैंस चमक रही है। और इसके सींग देखिए कितने बढ़िया हैं। और अभी ये खाली कर दी गई है इसलिए थोड़ा सा लेवा कम है, बाकी जब ये दूध में होती है तो बहुत बढ़िया लेवा होता होगा। काफ़ी ऊँची भैंस है। एक ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, काफ़ी बढ़िया भैंस है। और इसका लेवा देखिए कितना बढ़िया है, यानी कि लोटी जिसको बोलते हैं, थन वगैरह देख सकते हैं आप, आपके सामने है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से ये भैंसें इस हार जो गांव जुगलान है, जुगलान के दूध प्रतियोगिता में आई हुई हैं। ये देखिए इसके सींगों के बीच में इन्होंने डाट लगाई हुई है ताकि जो है इसके सींग आपस में टकरा करके भैंस को दर्द ना हो। आप इसका लेवा देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका लेवा है। आपके भाई तो कहाँ से आई है ये? ये जुगलान गांव की ही भैंस है। कितना दूध देती है भैया? 18 किलो दूध दे देती है, तो 18 किलो से ऊपर ये दूध देती है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों एक ये भैंस आई हुई है, ये भी देखिए आपकी। यहाँ की खास बात ये है कि हरियाणा की भैंसें रूंडी बहुत होती हैं, सींगों पर विशेष रूप से, भैंसों की जो बनावट, सींगों की बनावट उसके ऊपर विशेष रूप से जोर होता है। तो यहाँ की नस्ल जो इशार HAU है उसके द्वारा सुधारी जा रही है। तो इस प्रकार से ये है। आइए आपको दूध प्रतियोगिता में दूध की तुलावट दिखाते हैं कि दूध तुल